हेलो स्टूडेंट्स, अपन प्रीवियस लेक्चर में क्या देख रहे थे? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इज इट क्लियर ऑल अबाउट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन? उसके क्या क्या नेम हो सकते हैं? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या फिर हाइड्रोजन डेफिशिएंट इंडेक्स, हालांकि उसका एक नाम और बोल सकते हैं अपन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं उसे, लेकिन वो चलेगा, कोई बात नहीं। शॉर्ट में उसे क्या बोलेंगे? डीयू। तो अपन डीयू का क्या यूज होगा, क्या अपने इस बारे में डिस्कशन किया? डीयू मान लो अपन को क्या जरूरत है कि डीयू अपन पढ़े, तो डीयू बेसिकली बच्चों नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें है या नहीं है, इसमें कहीं रिंग तो नहीं है क्या। इफ मॉलिकुलर फॉर्मूला इज गिवन देन टू प्रिडिक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर दैट मॉलिकुलर फॉर्मूला वी हैव टू नीड डीयू। अपन को उस टाइम डीयू की जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इफ मॉलिकुलर फॉर्मूला इज गिवन देन अपने पास एक वो फॉर्मूला जैसा होना चाहिए जिसे अपन डीयू कैलकुलेट करते थे। इज इट क्लियर? और इफ स्ट्रक्चर इज गिवन देन कैसे चेक करोगे? आप उसमें पाई बॉन्ड गिन लो, आप उसमें रिंग काउंट कर लो, ऐसे करके कर सकते हो ना। ओके, अपन लास्ट क्लास में कुछ मॉलिकुलर फॉर्मूले लिख रहे थे और आप उनके डीयू मुझे सजेस्ट कर रहे थे, ऐसा अपन काम चल रहा था अपना, है ना। ओके, चलो मैं कुछ और लिख देता हूँ, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। जैसे लेट सपोज दिस वन इज मॉलिकुलर फॉर्मूला, और यहाँ पे आप मुझे क्या बताना, यहाँ पे आप मुझे डीयू बताना, डीयू सजेस्ट करना। डीयू का बताओ एक नाम और क्या है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, है ना। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को शॉर्ट में लिखूं तो DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज ऑल्सो नोन एज डीयू। हाइड्रोजन डेफिशियंट इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज डीयू। सभी एक ही है ना, काम एक नाम अनेक, ऐसा काम है उनका। चलो बताना मुझे, C5H12, चलो डी यू सजेस्ट करो इसका। फास्ट 8O2, 7 14N2, 4 6Cl2, 6H3Cl3, 5H9 एंड N। चलो चाहे एक फास्ट इसके डीओ चेक करो। जैसे आपको मॉलिक्यूलर वो याद है ना, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था बताओ? डीयू कैसे चेक करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन, नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन। इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट देन वी सब्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन देन फाइनली डिवाइड बाय टू। दिस इज ओवरऑल फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेट द डीयू। इफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इज प्रेजेंट देर इज नो टू टेक टेंशन अबाउट ऑक्सीजन एंड सल्फर, बिकॉज वाई, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीयू के जो फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है उसमें कहीं ऑक्सीजन का जिक्र भी नहीं है ना। तो ये अपने लिए फायदे की बात हो गई। चलो फास्ट, चलो इसका मैं डायरेक्ट लिखूं, आप लोग पहले ना इसको पॉज करके और इसके अपने आप से लिखो यहाँ पे, बाद में चेक करो बाद में मेरे और आपके कितने मैच हो रहे हैं इस टाइप से ना। हालांकि चांस इस बात के कम है कि मैच हो जाए, क्लियर है। चलो देखो मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, F5 + 1 6, 12 / 6 तो कितने हो जाएगा? 0। डीओ इज 0। चलो इसमें बताओ ऑक्सीजन का तो कोई लेना देना ही नहीं, ऑक्सीजन अगर ना भी होता और अगर है भी तो एक ही बात है। तो डायरेक्ट इसमें कर दूं, आप कर लोगे ना इसे करके? ओके, तो इसका डीओ आएगा बच्चों 1। चलो C7H14N2, नाइट्रोजन वाले केस में यहाँ पे 7 लिखो, 7 + 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 14 लिखो, हेलोजन नहीं है तो छोड़ दो, -2 लिखो, डिवाइड बाई 2 करो, इस टाइप से आपको काम करना है, हाँ ना। तो इसका डीयू कितना आ जाएगा? इसका डीयू आई थिंक 2 आ जाएगा। चलो इसका बोलो, इसका सजेस्ट करो, दिखाई क्या इसका डीयू बनाएगा? हेलोजन वाले ही, Cl मीन्स 2 हेलोजन आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे, इसमें 3 करने होंगे, तो इसका डीयू 4 आ जाएगा। इसका डीयू कितना आ जाएगा? इसका डीयू आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा इसका डीयू, है ना। 1 नाइट्रोजन 1 रिमूव देन 8 C8, क्लियर है। अब देखो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, इधर मैं देख भी नहीं रहा हूँ, तो ऐसा मत समझना कि मैंने इनको याद कर रखा है। ये क्या है, टाइम के साथ प्रैक्टिस के साथ आपको भी आने लग जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं। आप भी ना थोड़ा
थोड़े दिन बाद में ऐसे धुरंधर बन जाओगे, ऐसे देख के बोलोगे ऐसे इसका डीओ ये सर ये फिलर ना डमकाना ये सब ऐसे, इज इट क्लियर और नॉट, है ना? ओके, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन देन हाउ टू डिसाइड डीयू, वो देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। बताओ स्ट्रक्चर वाले केस में क्या करना है आपको, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग कैलकुलेट करनी टोटल जो आपको दिखे, तो जितनी दिखेगी ना उसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बच्चों मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मुझे उनका डी यू सजेस्ट करना, हो जाएगा ना ऐसे? ओके, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, चलो बताना। एग्जाम्पल नंबर वन, चलो इसका डी यू बताना। चलो बताओ इसमें कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है नहीं है, ओनली रिंग है, कितने रिंग दिख रही है आपको, वन, डीओ इज वन, इसमें बताओ कोई पाई बॉन्ड है क्या, नहीं छोड़ो, रिंग कितनी है, दो, तो बोलेंगे टू। इसमें पाई बॉन्ड है, यस, एक डबल बॉन्ड में एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें दो पाई, है ना? तो देखो 2π + 1, 3π हो गए और एक रिंग, तो टोटल मिला के कितना डी हो जाएगा, 4। इज इट क्लियर और नॉट, दिस वन टू रिंग एंड वन इज डबल बॉन्ड, एक्चुअली मतलब ये याद रखना, मैं यहाँ पे किसी प्रकार की आपको अनसेचुरेशन की डेफिनेशन नहीं लिखा रखी है, मैंने यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोला है कि वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, वो अनसेचुरेशन की डेफिनेशन है, यहाँ पे मैंने बोला है कि पाई बॉन्ड होना चाहिए, मे बी वो किसी के भी बीच में हो, अगर डबल बॉन्ड है तो डेफिनेटली उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, इफ ट्रिपल बॉन्ड इज गिवन देन डेफिनेटली 2π 1σ इज प्रेजेंट, तो किसी के बीच में आप सबको काउंट करना होगा, है ना? ओके, चलो तो मुझे सजेस्ट करो, वन रिंग एंड वन इज पाई बॉन्ड, देन टोटल नंबर ऑफ डी इज 3, इज इट क्लियर? ओके, इसमें बताओ रिंग कितनी है, देखो 1, 2, 3 एंड 4, देर इज 4 रिंग, इट मीन 4 DU, इसमें बोलो 1 रिंग इधर, ये इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, टोटल कितना हो जाएगा, 4, इसमें बोलो एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर, एक पाई बॉन्ड इधर और एक रिंग, एक टोटल कितनी हो जाएगी, रिंग हो जाएगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5, या चलो ये 5 हो गया मेरे हिसाब से, और करते हैं ना थोड़े। कितने हो गए थे बच्चों यहाँ पे, 7 हो गए थे, चलो देखो बेंजीन का डीओ बताओ मुझे, बेंजीन का डीओ कितना होगा, नेफ्थलीन का सजेस्ट करना मुझे, नेफ्थलीन का डीओ कितना होगा, एंथ्रेसीन का सजेस्ट करो, चलो बोलो।
पोज करके ट्राई कर लो दिखाएं, बाद में करूँ। चलो देखो, बोलो ड्यू, बोलो। थ्री पाई बॉन्ड्स एंड वन रिंग, टोटल ड्यू इज व्हाट? फोर। ओके, टू रिंग्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर फाइव, इट मीन्स टोटल ड्यू इज व्हाट? सेवन। ओके, थ्री रिंग्स और पाई बॉन्ड कितने बच्चों इसमें? तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन प्लस थ्री टेन हो गए ना। चलिए इसमें बोलो, वन रिंग एंड टू पाई बॉन्ड, थ्री हो गया इसका डीयू। ओके फाइन, टू पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? दो पाई बॉन्ड और एक रिंग, ये रही, थ्री डीयू हो गए। इसमें बोलो, इसमें रिंग है ही नहीं, कोई बात नहीं, पाई बॉन्ड से काम चला लेंगे अपन, तो इसमें डीयू कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। चलिए इसमें बोलो, टू हो गया। इसमें बोलो, अब रिंग का मीनिंग ये मत समझ लेना कि डेफिनेटली सर उसके अंदर है ना वो कार्बन कार्बन की रिंग होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? रिंग होनी चाहिए, वो किसी की क्यों ना हो। देखो, वन रिंग, टू रिंग, थ्री रिंग, है ना। ओके, उसके बाद में बोलो, एक डबल बॉन्ड ये रहा सर, एक डबल बॉन्ड ये रहा, ये ट्रिपल बॉन्ड रहा, है ना। तो थ्री रिंग, फोर फाइव सिक्स सेवन, तो दिस मॉलिक्यूल आर डेफिनेटली कंसिडर एज सेवन डी यू। ओके, कुछ एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता देता हूं। देखो, जैसे इसका ड्यू बताना मुझे ना, मान लो एक एग्जांपल कुछ ऐसा लिखा हुआ है ऐसे, ये तो बच्चों इतना खूबसूरत नहीं बना ना, इसको ऐसे बनाए तो। अब देखो, दिख रही कुछ बैठी गया बात, ये देखो है ना, ये ठीक लग रहा है मेरे को देखने में। ये देखो मैंने क्या बना दिया, क्लियर है। अब देखो, मान लो कई बार ऐसे स्ट्रक्चर्स दे दे आपको, इज इट क्लियर? और सर इसमें आप रिंग फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये 3D की स्ट्रक्चर्स होती है, और 3D में बच्चों रिंग का पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे मान लो, अगर मान लो आपको मैंने बोला कि चलो बच्चों इसका ड्यू बताओ, तो आप तो क्या करने लग जाओगे कि सर ये कमरा है ना, ये कमरा ही तो एज इट इज रूम है ही, तो रूम में कितने रिंग्स होती है सर? ये वन, ऐसे टू थ्री, इधर वाले फोर एंड फाइव एंड सिक्स, ऐसे काउंट करके बता दो आप, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू यू देन डी यू इज व्हाट? सिक्स आना चाहिए, है ना। लेकिन डी यू की डेफिनेशन ऐसे और भी बहुत है बच्चों। डी यू की ठीक है, अपनी स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी थी कि द नंबर ऑफ एच टू मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इन टू ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड, दैट एच टू मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, दैट एच टू मॉलिक्यूल नंबर्स आर नोन एज डी यू, इज इट क्लियर? बट जैसे मान लो आपको मैंने बोला कि इस रिंग का डीयू कितना, तो आप क्या बोलोगे? वन ना, तो वन बोल रहे हो ना आप अगर इसका डीयू, तो एक्चुअली अंदर पता है वो वन क्या है? वन ये कि इस रिंग को ब्रेक करने के लिए ओपन चेन में कितने बॉन्ड को आपने ब्रेक किया, ओनली वन बॉन्ड को, वो बॉन्ड भी एक्चुअली के अंदर एक डीयू को डिफाइन करता है। जैसे मान लो मैंने बोला ये ऐसा होता, तो मान लो टू रिंग होती है ऐसे, तो आप इसका डीयू टू बोलते ना, एक्चुअली के अंदर वो टू डी यू क्या है, आपने इसको टू बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा टू कंप्लीट कन्वर्टेड इन टू ओपन चेन, दैट्स वाई रीजन इसका डी यू टू आता है। और अगर मान लो मैंने बोला कि दिस इज नॉन एज क्यूबेन, इसका नाम है बच्चों क्यूबेन, क्योंकि एल के एन है तो एन आएगा, और ये क्यूब जैसा दिखता है इसलिए इसका नेम है क्यूबेन, और ये भी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, लेकिन दिखता ये प्रिज्म जैसा इसलिए इसका नाम है प्रिज्मेन, प्रिज्मेन, है ना।
आपको बोले कि इसमें मैं कितने बॉन्ड ब्रेक करूं जिससे ये पूरा क्यूब बिखर जाए, तो वो आप ऐसे इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ फाइव बॉन्ड्स आर टू रिक्वायर टू ब्रेक द बॉन्ड एंड इट इज इट विल कम्प्लीटली कन्वर्टेड इन टू ओपन चेन। इट मीन्स फाइव बॉन्ड यू हैव टू नीड टू ब्रेक देम, आपको पांच बॉन्ड ही ब्रेक करने पड़ेंगे। अगर चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मान लो अगर कंफ्यूजन हो गए, मान लो सर ऐसे कैसे आइडिया लगेगा, हमें तो आइडिया नहीं लग रहा है ऐसे कितने बॉन्ड ब्रेक करने कितने नहीं करने, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, स्ट्रक्चर कई बार समझ में ना आए लेकिन उसका मोलिकुलर फॉर्मूले से निकाला हुआ डीयू कभी गलत नहीं हो सकता, ये बात तो मानते हो। जैसे लेट सपोज आपको मैंने पूछा इसमें कार्बन कितने हैं, तो आप ऐसे बोलोगे ना सर एट कार्बन है, कॉर्नर कितने होते हैं एक रूम में, एट कॉर्नर होते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे कार्बन प्रेजेंट है, डेफिनेटली वहां पे कार्बन प्रेजेंट है। अगर मैंने बोला ईच एंड एवरी कार्बन ऑक्यूपाई ओनली वन हाइड्रोजन, इज इट करेक्ट और नॉट? यस, बिकॉज वाई ऑल कार्बन मेक थ्री बॉन्ड, इट मीन्स वो सभी हाइड्रोजनों की एक एक यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे सब जगह एक एक हाइड्रोजन होगी या नहीं होगी, आपका इस बारे में क्या विचार है? बराबर है, इट मीन्स अगर मैं इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखूं तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज एट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज एट एंड ऑल्सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो एट, नंबर ऑफ कार्बन इज एट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज एट। इट मीन्स इस स्ट्रक्चर का आपने क्या बना लिया, मोलिकुलर फॉर्मूला। और अगर आपने मोलिकुलर फॉर्मूला बना दिया और अगर मान लो आप इसका डीयू कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बोलूं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 8 + 1 9 और हाइड्रोजन 8/2 4 5, इसका ड्यू तो बच्चों 5 आया है ना, और ये तो इसको तो आप नकार नहीं सकते भाई, क्यों, ये तो निकाला हुआ ड्यू किससे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता है ना। तो अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन हो जाए, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन और आपको थोड़ा सा ऐसा लगे सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लो और उसका ड्यू कैलकुलेट कर लेना। और एक चीज और, अगर मान लो कभी भी 3D स्ट्रक्चर दी रहती है ना, ऐसा करोगे तो देखो सही है, बिल्कुल 100% सही है, तो 100% सही है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ एक्स्ट्रा में, इफ 3D स्ट्रक्चर इज गिवन, मान लो 3D स्ट्रक्चर दे रखी है आपको जल्दी करना है, तो एक्चुअली के अंदर उसका डीयू पता है क्या होता है, उसका डीयू होता है नंबर ऑफ फेसेस, कितने फेस है उसके अंदर, उसमें से एक कम करना होगा आपको, दैट नंबर इज नोन एज डीयू फॉर दैट कंपाउंड। इट मीन्स इस कमरे में कितने फेस होते हैं, फेस मतलब समझ रहे हो, जैसे फेस एक रूम है तो मान लो सिक्स फेस होते हैं ना, फोर तो ये वाले से ऊपर एक और एक नीचे, टोटल कितने फेस होते हैं, सिक्स फेस होते हैं, सिक्स में से एक कम कर दो उसका डीयू फाइव आएगा। इज इट क्लियर? जैसे प्रिज्म है, आप इसको किस तरीके से करना चाहोगे, मैंने आपको बताया कि तो बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ओपन चेन में ब्रेक हो जाना चाहिए, ये अभी के लिए आपके लिए फिजिबल नहीं है काम है ना, ये एक 3D स्ट्रक्चर है, आप मुझे ये बता सकते हो इसमें फेस कितने? देखो ऐसा है ये है ना, एक ऊपर वाला, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, टोटल नंबर ऑफ फेस कितने, फाइव। इसका मतलब इसका ड्यू आना कितना चाहिए, फोर आना चाहिए, इसका ड्यू कितना आना चाहिए, फोर आना चाहिए। इज इट क्लियर? लेकिन मान लो आपको बोले सर मैं इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बना के करूं तो कैसे करा लो, डीयू तो सेम आना चाहिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पे है, कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बच्चों कार्बन नहीं यहाँ पे टच नहीं है ना, ये बाहर ऐसे लाइन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 एंड डेफिनेटली हाइड्रोजन इज 6, यू कैन चेक ऑल्सो, देन डीयू इज व्हाट, 4। ये क्या है बच्चों, ये ना यहाँ पे टच नहीं है, ये ऐसे कार्बन, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये वो उस बर्ड जैसा ऐसा ना ये, और ये ऊपर से आया वैसे, ऐसे ऊपर से एक बॉन्ड आया वैसे। इज इट क्लियर और नॉट, ये बॉन्ड कहाँ है, ये नॉट बोर्ड पे नहीं है, ये ऐसे बाहर है, ये क्लियर है? इसमें कितने हैं, इसका डीयू कैलकुलेट करना हो तो आप मुझे या तो फेस बता दो कितने फेस है इसमें, और अगर आप फेस नहीं डिसाइड कर रहे हो तो आप बॉन्ड ब्रेकिंग तो अभी यूज मत लेना ना, आप क्या करो इसमें सर मोलिकुलर फॉर्मूला बना लो तो शायद बेटर रहेगा मेरे लिए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन बताओ, ये कार्बन है, इतने कार्बन, ये कार्बन क्यों नहीं है बोलो, ये बाहर है ऐसे इसलिए टच नहीं है ये, अगर ये रियल में टच होता तो डेफिनेटली कार्बन होता ना, बिकॉज भाई व्हेन टू लाइंस आर कट टू ईच अदर एंड दैट कटिंग पॉइंट इज आल्सो नोन एज कार्बन, बट ये कट नहीं है ना एक्चुअली के अंदर, प्रॉब्लम इसके साथ ये है। ओके बताओ हाइड्रोजन बोलो, सजेस्ट करो ऐसे कर दो,
इस टाइप से हो जाएगा ऐसे करके, कर लोगे ना ऐसे? क्योंकि मैंने ये कोई जादू नहीं किया है, उसको देख के भी कार्बन फोर बॉन्ड बनाता है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने हाइड्रोजन बना दी है ना। चलो बोलो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 2, 4, 6 हो गए। हाइड्रोजन सजेस्ट करो कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए बच्चों 4 इधर है 4 इधर है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 12 हो गए। और C6H12 का DU कितना आता है वो देख लो आप, कार्बन में एक ऐड कर दिया, हाइड्रोजन में डिवाइड कर दिया, इसका DU भी तो 1 आएगा। करेक्ट किया ना मैंने, सही लिखा ना? और वापस देखो दिखा इसमें कितने फेस, अगर फेस होते तो ऐसे करके 1, 2, 3, डी 2 नहीं आना चाहिए था इसका, कहीं हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो गड़बड़ नहीं लिख दिया मैंने? 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 8, 9, 10, 11, 12। हाँ बताऊँ कैसे, हाइड्रोजन तो ठीक है, कार्बन अपने कम लिया है ना, कौन सा देखो, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, एक ही हो रहा है ना, है ना? 7 कार्बन है इसमें टोटल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना? इसका ड्यू कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि मुझे आइडिया कैसे लगा, जैसे ये ऐसे है ना ऐसे करके, ऐसे एक ऊपर वाला फेस और, तो एक फेस तो वो, एक इधर वाला एक इधर वाला, टोटल 3 फेस है इसमें, तो एक कम आना चाहिए ना, ड्यू 2 आना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? यस। इसका मैं आप डायरेक्ट कर दूंगा, जैसे बताओ इतने इतने स्ट्रक्चर का डीयू कितना, अभी तो बताया आपने भाई, ये तो एक ही बात है बच्चों, जैसे ये ऐसे है वो एक कार्बन हो जाए, वो फेस तो उतने होंगे, तो इस अंदर अंदर वाले का डीयू 2, एक रिंग इधर एक्स्ट्रा आ गई तो +1, और एक इधर डबल बॉन्ड ओवर आ गया तो +1, तो डीयू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका डीयू 4 हो जाएगा। अब आपका क्या काम है आज, आपका ये काम है कि इसमें ना नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो अच्छे से, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बनाओ, और बाद में उससे कैलकुलेट करके देखो क्या डीयू 4 आ रहा है क्या, और डीयू अगर 4 नहीं आता तो इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करोगे, सर ऐसे कैसे हुआ सर, है ना? चलो डीयू अपने समझ में आ गया, अभी डीयू क्या है ना? एक तुम लोगों को दूंगा होमवर्क के लिए, अपने आप से करोगे? चलो बताना तो मुझे ना, क्या बच्चों इसकी थोड़ी फील आई है कैसा ही है ना? क्लियर है इसका, आप मुझे डीयू बताना, ये आपका होमवर्क है। इस कनेक्ट सही है ना? ओके बच्चों, चलो डीयू यू तो हो गया, अब आगे अपन पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप, एक्चुअली के अंदर फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग बच्चों ये है कि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपको पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मामले में मिलियंस टाइम्स ज्यादा है, तो अगर मान लो अपने एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर अपने लैब में टेस्ट अलग देना स्टार्ट किया तो शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना? क्योंकि सर ये कंपाउंड ये कर रहा है, ये कंपाउंड ये कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक फैमिली होनी चाहिए, तो अपन बोलेंगे इस टाइप की अगर कोई फैमिली होगी तो सर ये अपने करेक्टरिस्टिक शो करेगी, और अगर मान लो ये एक फैमिली होगी तो ये इस टाइप के टेस्ट देगी, तो बोले वो फैमिली का आप आइडिया कैसे लगाओगे कि ये उस फैमिली से बिलोंग कर रहा है,
और ऐसे ही काम करने के लिए फंक्शनल ग्रुप का बना हुआ है ना। फंक्शनल ग्रुप इज दैट ग्रुप विच रिप्रेजेंट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड। इट मीन्स देर इज नो मैटर टू हाउ, देर इज नो मैटर टू नंबर ऑफ कार्बन उसमें कितने हैं कितने नहीं है। इट मीन्स कोई लेना देना नहीं है, केवल ग्रुप अगर उसमें प्रेजेंट है तो अपन बोलेंगे वो लैब में टेस्ट देगा सर। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे लेट सपोज मान लो एक OH बच्चों इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है एल्कोहल। इज इट क्लियर? अब मान लो अगर ये एल्कोहल है तो आपको मान लो मैं लैब में लेके गया और मैंने दो कार्बन का एक एल्कोहल दिया जिसका नाम है बच्चों इथेनॉल, है ना। ये लैब में अपना कोई टेस्ट दे रहा था और मैंने क्या किया फिर बाद में इस नंबर ऑफ कार्बन को थोड़े कम ज्यादा कर दिए। लेट सपोज कि ऐसे भी मैंने लगा दिए और ऐसे रेंडम सा मैंने एक अनदर एल्कोहल लिया और मैंने बोला क्या ये दोनों सेम टेस्ट देंगे? जो टेस्ट ये दे पाएगा वही टेस्ट ये देगा, या फिर इस बात से फर्क पड़ेगा कि सर इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 और इसमें आपने नंबर ऑफ कार्बन 4 ले रखे हैं? तो बोलेंगे कार्बन थोड़ी देते हैं टेस्ट, टेस्ट तो कोई ग्रुप देगा। अगर मान लो इसके पास एसिडिक एच है तो ये अपने कुछ इंडिविजुअल टेस्ट शो करेगा, तो डेफिनेटली ये भी वो टेस्ट शो करेगा। और इन दोनों की अपन क्या बोलेंगे सेम क्या है, इन दोनों के बच्चों क्या है सेम? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? कि रिएक्शन की टेंडेंसी दोनों की सेम है। अगर कोई ये मान लो लेट सपोज बी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली इसको भी बी के साथ रिएक्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज वह रिएक्ट करने का काम कार्बनों को नहीं दे रखा है, वो तो इस OH ग्रुप को दे रखा है। एंड दैट टाइप ऑफ ग्रुप, एंड दैट टाइप ऑफ ग्रुप इज ऑल्सो नॉन एज फंक्शनल ग्रुप। इन्हें क्या बोलते हैं? अपन फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। चलो बताओ FG की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? ए ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप विच डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स। क्या लगता है बोलो, कर पाओगे ऐसा? तो केमिकल प्रॉपर्टीज किस टाइप की रिएक्शन शो करेगा, या वो आज उसका मूड नहीं है रिएक्शन करने का, ये सब बातें जो है बताने की, ये सारा मामला एक आज किसी को सौंपा गया है, ये सौंपा गया है फंक्शनल ग्रुप को। तो अब अपन फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से अपने फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरी ऑर्गेनिक के दौरान चलते रहते हैं। अपन को फिलहाल अभी स्टिल क्या पता होना चाहिए उसके नेम, जैसे मान लो आपको ये OH लिखा मिले तो आपको इसे पता होना चाहिए इसका नाम क्या है सर, एल्कोहल है ना, इस टाइप से। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, ध्यान रखना, थैंक यू।